अस्सलामुअलैकुम फिटनेस फैक्ट्री यूट्यूब चैनल में आप तमाम भाइयों को खुश आमदीद। आज एक नई और जबरदस्त वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों आज उन अफराद के लिए स्पेशल वीडियो जो कि बे औलाद हैं, औलाद नरीना हासिल करना चाहते हैं और उनके मनी में इतने बड़े जरासीम नहीं है कि उनकी मनी जाकर औलाद नरीना पैदा कर सके, तो आज की ये दो चीजें आपके लिए मैं पेश करने लगा हूं और ये हदीस से भी साबित है। जो लोग हदीस वगैरह पढ़ते हैं वो मेरी इस बात से जरूर मुत्तफिक होंगे क्योंकि आज की ये दो जो चीजें हैं ये हदीस पाक से मैंने ली हुई हैं और बहुत ही जबरदस्त नुस्खा, आज टोटका और खाना भी इसको सवाब है, सुन्नत है और जबरदस्त चीज आज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि फिटनेस फैक्ट्री ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपने बहुत सारा प्यार दिया पिछली वीडियोस में, मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स अदा करता हूँ क्योंकि आप लोगों ने इस लाइव वीडियोस को जो है बहुत सराहा है और इसको पसंद किया और इंशाल्लाह इसी तरह की आपको लाइव वीडियोस ही देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। तो आप इसमें दो चीजें आपने इसमें घरेलू लेनी है और सबसे बड़ी बात यह है कि सस्ता तरीन नुस्खा है, इससे सस्ता नुस्खा लोग लाखों रुपए डॉक्टरों के पास जाकर अपने इलाज करवाते हैं उस पर जाया कर देते हैं लेकिन वो देसी चीजों से बिल्कुल दूर हो चुके हैं और जल्द अज जल्द अपना इलाज करवाना चाहते हैं। आपको पता है देसी चीजें जो है वो थोड़ा सा टाइम लेती हैं, एक महीना, दो महीने, तीन महीने तक भी ले लेती हैं, उसके बाद जाकर आप मुकम्मल तौर पर शफायाब होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं नुस्खे को। सबसे पहली चीज आपने इसमें हनी लेना है, शहद लेना है और ये शहद आपके पास खालिस होना चाहिए और दूसरे नंबर पर आपके पास देसी अंडा होना चाहिए उबला हुआ। आपने इसको हाफ फ्राई कर लेना है या उबाल लेना है, इसको आपके पास होना चाहिए उबला हुआ अंडा। मैंने यहाँ पर शेवर अंडा लिया है लेकिन आपने देसी अंडा लेना है, ठीक है, और आपने देसी मुर्गी का अंडा लेना है। इसको आपने हाफ बॉईल कर लें या फिर आप इसको ज्यादा बॉईल भी कर सकते हैं, इसको सख्त भी कर सकते हैं। जो लोग हाफ बॉईल पसंद करते हैं वो हाफ बॉईल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इस हनी को अंडे के साथ आपने खाना है। कैसे खाना है, जैसे हम इसके ऊपर नमक लगाकर, शहद के अंडे के ऊपर जब नमक लगाकर खाते हैं बिल्कुल उसी तरीके के साथ आपने इसके ऊपर हनी डाल के खाना है। बस इतना सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। आपने अंडे के ऊपर हनी डालकर खाना है। किस तरीके के साथ खाना है हम आपके सामने अंडा छील देते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि आपने किस तरीके के साथ इसको खाना है और मैं आपको खाकर भी बताऊंगा। जी तो व्यूवर्स, हमने अंडे को छीन लिया है, अब हम इसको खाने का तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ कि इसके खाने का किस तरीके के साथ आपने इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है, ये देख लें। और अब आपने क्या करना है कि इस तरीके के साथ हनी की यू बोतल आपने ओपन करनी है और इसका एक एक कतरा करके ऊपर डालना है। ये देखें इस तरीके के साथ ये हनी इसके ऊपर ऊपर आ गया। अब इसको आपने एक बाइट के जरिए खाना है, वो किस तरीके के साथ मैं आपको बताता हूँ। यकीन करें व्यूअर्स, बहुत मजा आ रहा खाने में, आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त टेस्ट आ रहा है इसका, बहुत मजे का अंडा हो चुका है। और इसी तरीके के साथ आपने मजीद इसके ऊपर डालकर, इस तरीके के साथ आपने जैसे नमक को डालते हैं इस तरह आपने हनी डालकर इसके ऊपर खाना है। और यकीन करें कि इतनी जबरदस्त ये चीज तैयार हो चुकी है कि आपकी सोच है, ये मनी का जरासीम 1.5 इंच लंबा जरासीम आपके एक हफ्ते के अंदर पैदा कर देगा जो कि औलादे नरीना को पैदा करने के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। लेकिन यहां पर एक बात आपको एक और बात बताता चलूं कि आपने देसी अंडा लेना है, शेवर अंडा नहीं लेना। यहां पर मैंने शेवर अंडा लिया है, आपने देसी मुर्गी का अंडा इस्तेमाल करना है। तो ये मैं दोबारा बाइट लेता हूं, बहुत मजे का लग रहा है, मैं तो इसको कंप्लीट खा के आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होता हूं। जी तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि वो मैं कंप्लीटली तौर पर खा चुका हूं, बहुत मजे का अंडा था। यकीन करें कि इसको हनी के ऊपर डालकर खाने का अपना ही मजा है। आप नमक डाल के भी खाते हैं लेकिन आप हनी डालकर खाएंगे तो आपको अपना ही मजा आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको आजमा कर देख लें। जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो इस नुस्खे को इस्तेमाल ना करें और शुगर वाले भी इससे दूर रहें क्योंकि इसमें शहद शामिल होता है, मीठा है, और हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए अंडा है, गर्म है, तो उससे आपका बीपी हाई हो सकता है। तो इस चीज को मद्देनजर रखकर आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह की जात आपको औलादे नरीना से जरूर नवाजेगी। इसमें 1.5 इंच लंबा जरासीम पैदा होता है और वो बहुत ज्यादा मुफीद है, इस अंडे से पैदा होता है, जो इससे बहुत जबरदस्त चीज है। और हदीस पाक में भी है कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ, वो कहने लगा कि अर्ज करने लगा कि या रसूलल्लाह, मेरे घर में औलाद नहीं है तो मैं क्या करूं। तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंडे खाया करो।
तो फिर ये जो हदीस में एक शरीफ में आया कि अंडे के साथ अगर शहद का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है और इसमें कंप्लीट आपको शफा मिल सकती है। उम्मीद ये करता हूं कि आज की इस प्यारी वीडियो के साथ आपको बहुत ज्यादा फायदा हासिल होने वाला है और तमाम लोगों की जो ना उम्मीद है वो उम्मीद से हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो मेरे हक में दुआ जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस पाने के लिए बेल का आइकन प्रेस करते रहें और वीडियो को 1000 लाइक जरूर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ कल इसी अच्छी वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।